अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन शेक्सपियर गलत था क्योंकि उसे भारत के आने वाले हालात का इल्म नहीं था। खैर, आज फयाज और प्रकाश में कितना फर्क है बताते हैं। नाम से ही मालूम होता है कि फयाज किसी मुस्लिम का नाम होगा और प्रकाश किसी हिंदू शख्स का नाम होगा। हुबली में नेहा कत्ल मामले के बाद मुसलमानों ने, खासकर मैं इसका जिक्र करूंगा, कभी फयाज के जुर्म की हिमायत किसी ने नहीं की, लेकिन सियासी मुफाद हासिल करने की कोशिश होती रही। नेहा हिरेमठ के घर जाकर मुलाकात करने का गोया सियासी लीडरों में एक मुकाबला लगा हुआ था। वैसे जुर्म किसी धर्म, जात पात, नस्ल को देखकर नहीं होता, क्योंकि यह ज़हनियत का मामला होता है, लेकिन जुर्म को किसी एक समाज को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश किस तरह से की जाती रही है, उस पर भी हमने इससे पहले भी बात की है, आज भी उस पर ही बात करते हैं। असल मौजू की तरफ बढ़ने से पहले एक और खबर की तरफ नजर डालते हैं, और पाकिस्तानी जासूस को पकड़े जाने की खबर, क्योंकि यह खबर आज ही की है इसलिए बताना जरूरी समझ रहा हूं। पाकिस्तानी जासूस का नाम प्रवीण मिश्रा है और भारत के फौज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ड्रोन की खुफिया जानकारी भी पाकिस्तान को पहुंचा रहा था। वैसे इस तरह के खुफिया जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाने वाले नॉन मुस्लिम जासूसों की फहरिस्त काफी तवील है। अभी आज का ही मामला था, इसलिए असल मुद्दे की तरफ बढ़ने से पहले प्रवीण मिश्रा की करतूत को आपके सामने बताना जरूरी समझा। प्रवीण मिश्रा मुजफ्फरनगर का है, बिहार का, फिलहाल भरूच गुजरात में रहकर तमाम खुफिया जानकारी पाकिस्तान पहुंचा रहा। खैर, जुर्म कोई और करता है और मुजरिम किसी और को ठहराया जाता है। असल मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, जहां नेहा कत्ल को लेकर पूरा मुल्क सर पर उठा लिया गया था। यहां तक प्रधानमंत्री मोदी भी इसका जिक्र इसलिए कर रहे थे क्योंकि कत्ल फयाज ने किया था। खैर, जब कातिल बदलता है या इसके नाम बदलते हैं तो इसकी अहमियत भी किस तरह घटती है और बढ़ती है, एक बार फिर देखने को मिली। वारदात हमारे ही कर्नाटक के कोडगु में पेश आई। लड़की का नाम नहीं बता सकते, लेकिन अभी 10वीं के इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास भी हुई थी और इसी वजह से वह काफी खुश भी थी, लेकिन प्रकाश नाम के दरिंदे ने उस लड़की का सिर्फ कत्ल ही नहीं किया बल्कि सर काट दिया और सर को अपने साथ ले गया। हासिल इत्तला के मुताबिक प्रकाश और उस लड़की की मंगनी होने वाली थी, लेकिन अभी 16 साल की है और 2 साल रुकना होगा, ऐसा मशवरा कुछ तंजीमों ने दिया, कुछ बड़े लोगों ने भी दिया। लिहाजा इसी का गुस्सा दिल में रखकर प्रकाश ने लड़की के घर वालों से झगड़ा किया और लड़की का सर धड़ से अलग किया। धड़ को वहीं फेंक कर सर अपने साथ ले गया। खैर, प्रकाश को हिरासत में लिया है, पर सवाल तो उस बेघर तवाम पर उठाना जरूरी है, क्या कातिल किसी मखसूस मजहब का होने पर ही आवाज उठाई जाएगी? क्या किसी मखसूस मजहब का होने पर ही तुम्हारे अंदर क्या खवातिनों की इज्जत, उनका मर्तबा, उनकी अहमियत जाग उठती है? क्या कातिल कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, जुर्म को धर्म के चश्मे से देखने की आदत में पड़ी हुई है? इस समाज की तबाही की निशानी ही ये कह सकते हैं। क्या प्रकाश को लेकर इसलिए मोर्चे नहीं निकाले जा रहे, धरने नहीं दिए जा रहे, क्योंकि वो अक्सरियत हिंदू समाज का है? दरअसल इस तरह की बात करना भी जुर्म है, लेकिन अब वो समाज कहाँ है और क्यों कर प्रकाश के खिलाफ आवाजें नहीं उठ रही, जबकि कातिल और मकतूल दोनों एक ही धर्म से ताल्लुक रखते हैं? समाज में बढ़ती इस तरह की घिनौनी मानसिकता पर सोच फिक्र होना जरूरी है। महज 16 साल की लड़की का सर धड़ से अलग करना कैसी ज़हनियत कह सकते हैं? अगर किसी अकलियती समाज का होता तो फिर इसे तन सर से जुदा की ट्रेनिंग मिल गई हो कि कहानियां बताई जाती, अब इसने कौन सी जिहादी तंजीम में शमूलियत अख्तियार की थी? लिहाजा नेहा कत्ल मामला जितना संगीन और शर्मसार करने वाला था, उतना ही इस लड़की का है। आवाजें दोनों तरफ से उठनी चाहिए थी। जितना फयाज मुजरिम है, उतना ही मुजरिम प्रकाश है, लेकिन कहीं तो आपने आवाज उठती हुई सुनिए। यह टीवी डिबेट देखा गया, अगर मुजरिम मुसलमान होता है तो सुर्खियां बदलती है। सुबह शाम डिबेट में मानसिकता पर ज्ञान बांटा जाता है। सर तन से जुदा की मानसिकता एक समाज में देखने की दलीलें दी जाती है। फिर प्रकाश, जिसने महज 16 साल की लड़की का बेरहमी से न कत्ल किया बल्कि सर को तन से जुदा कर दिया, तो क्या प्रकाश भी किसी अलकायदा में ट्रेनिंग लेने गया था क्या? अब क्यों खामोश है? 2 दिन गुजर गए मामले को, अब तक कहीं पर भी हंगामा देखने को नहीं मिल रहा, और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल जो नहीं है। मुजरिम अगर फयाज अब्दुल होने पर खबरें चलाने में मजा आता है समाज में, तभी तो जहर घोला जा सकता है। लिहाजा समाज में इस वारदात के बाद का सन्नाटा बहुत कुछ बयान करता है। जुर्म को जब धर्म के नजरिए से देखना आम बनने लगे तो समझना के समाज तबाही की ओर बढ़ रहा है। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। अब कुछ अहम खबरों का जायजा लेते हैं। एक बार फिर बारिश ने बेलगाम स्मार्ट सिटी को बेनकाब कर दिया है। बेलगाम शहर की तरक्की को लेकर बड़े वादे तो किए जाते हैं, सरकार बदलती है, लेकिन आवाम के मसाइल ज्यों के त्यों देखने को मिलता है।
महज पहली बारिश ने ही लोगों को परेशान किया, सड़कों पर यहाँ तक बाजारों में भी पानी दाखिल हुआ। न्यू गांधीनगर ब्रिज के नीचे का पानी हमेशा का मसला बना हुआ है। आखिर किसकी जवाबदेही इस पर आवाम सवाल कर गया, क्या कारपोरेशन जिम्मेदार है, स्मार्ट सिटी महकमा जिम्मेदार है या फिर हाईवे अथॉरिटी जिम्मेदार है? जो भी हो, लेकिन न्यू गांधीनगर, अमन नगर, उज्जवल नगर के आवाम के लिए गांधीनगर ब्रिज का रास्ता ये है। आखिर हर बारिश में यहाँ घुटनों तक पानी का मसला कब हल होगा, ऐसा आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। बेलगाम और अतराब में तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी जमने की वारदातें पेश आई। संकेश्वर में भी मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी बहते नजारे देखने को मिले। वल्लभगढ़ अंकली इलाके में जोरदार बारिश हुई, जिससे महालक्ष्मी मंदिर के सामने बहते नाली में चार गाड़ियां बह गई, जिससे गाड़ी मालिकों का बड़ा नुकसान हुआ। देर रात तक बारिश रही। 2 साल पहले इसी तरह की तेज बारिश में 6 गाड़ियां तकरीबन 200 मीटर तक बह गई थी, जिसका एक बार फिर चर्चा आवाम में करते हुए देखा गया। कल बेलगाम शहर में शिव जयंती मनाई गई, लेकिन बारिश की वजह से लोगों ने घरों में ही रहना बेहतर समझा। पुलिस इंतजाम बेहतर किया गया था, लेकिन जिस कदर भीड़ रहनी थी नजर नहीं आई। कॉलेज रोड पर शिव जयंती के मनाजिर देखने के लिए गैलरी का इंतजाम किया जाता है, लेकिन आवाम न के बराबर रही। वाजा रहे कि बेलगाम की शिव जयंती के नजारे देखने को दूर दराज से भी लोग आते हैं, लेकिन इस बार बारिश का असर देखने को मिला। बेलगाम हाईवे पर कल गैरकानूनी शराब पकड़ी गई। कार्रवाई बेलगाम एसपी भीमा शंकर गुड़ेद की निगरानी में अंजाम दी गई। बेलगाम पुणे हाईवे पर यमकन मंडी के नजदीक एक कंटेनर में तकरीबन 28,08,000 रुपए की गैर कानूनी शराब को बरामद किया गया। शराब गोवा बनावट की बताई जा रही है। इस दौरान 2 अपराधों को हिरासत में लिया गया। 10वीं के इम्तिहान के नतीजे आए हुए हैं। अब तालीमी इदारों को भी कुछ लोगों ने तिजारत बना दिया है, लिहाजा 10वीं के बाद कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिशें वालिदैन की जानिब से जारी है। रियासत के तालीम वजीर मधु बंगारप्पा ने ऐसे कॉलेजेस पर कार्रवाई का इशारा दिया जो ज्यादा फीस बच्चों से लेते हैं। किसी भी कॉलेज को लेकर शिकायत आने से कॉलेज पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा वजीर मधु बंगारप्पा ने बताया। बेलगाम और चिक्कोड़ी के कुल 11 स्कूलों के नतीजे 0 आने की इत्तला हासिल हुई। बेलगाम जिले में 6 और चिक्कोड़ी में 5 स्कूलों के नतीजे 0 यानी 0 आने की वजह से ये 11 स्कूल बहस का मौजू बने हुए। जिले तालीम महकमा की जानिब से इन तमाम स्कूलों को शो कॉज नोटिस भी दिया गया और 11 स्कूलों के तालीमी मियार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन स्कूलों पर कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। एक अहम खबर, हिंदू दहशतगर्दी को लेकर चर्चा में रहे दाबोलकर कत्ल मामले का फैसला 11 सालों बाद आया। वाजा रहे कि हिंदुत्व शिद्दत पसंद ज़हनियत पिछले कुछ सालों से मुल्क में बढ़ती जा रही थी, जिसके नतीजे में कलबुर्गी, गौर लंकेश, पानसरे, दाबोलकर जैसे इल्मी माहिरीन की कत्ल इन तंजीमों की जानिब से अंजाम दिए जाने को देखने को मिल रहा था। खास तवज्जो की बात यह भी रही कि बेलगाम शहर और अतराफ में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही थी, लिहाजा दाबोलकर मामले को 11 साल बाद फैसला नसीब हुआ। इसे एक तरह से कानून की नाकामी ही कह सकते हैं, क्योंकि जब इंसाफ मिलने में देरी होती है तो जुर्म को बढ़ने में भी आसानी हो जाती है। लिहाजा शरद कासकर, सचिन अंदुरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वीरेंद्र तावड़े, विक्रम भावे और संजीव पुनाड़ेकर को सबूत न होने के बिना पर रिहा किया गया। डॉक्टर नरेंद्र दाबोलकर जदीद ज़हनियत के बानी थे और उन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन तंजीम का भी कयाम अमल में लाया था। नरेंद्र दाबोलकर का कत्ल हिंदुत्व तंजीम सनातन संस्था के कारकुनों ने अंजाम दिया था, लेकिन सनातन संस्था ने इसका इनकार किया। एक कत्ल को 11 साल तक इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ा, ये भी इंसाफ के मियार को वाजा करता है, ऐसा कहा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।